Good morning class. First welcome back your online class. तो बच्चा कल मैंने आपको साइंस के बारे में बताया था कि अब आपका एक नया सब्जेक्ट शुरू होता है जिसे हम कहते हैं EVS और साइंस. EVS यानी कि एनवायरनमेंट साइंस. तो कल मैंने आपको बताया था कि ये अब आपका नया और इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट आपके पास आ गया है. इसको हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे. तो इसमें मैंने आपको कंटेंट्स बताए थे. इसमें हमारे पास अलग अलग लेसन है जैसे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड अवर ग्रीन फ्रेंड्स, वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स फूड एंड शेल्टर. बहुत से इसी प्रकार के आपके पास लेसन आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो आज हम शुरू करते हैं. शुरू नहीं, अभी आपका सिलेबस शुरू तो मैं नेक्स्ट से करूँगी, लेकिन आपको एक इको स्मार्ट बताते हैं जिसमें फर्स्ट है इको स्मार्ट. ठीक है, किस प्रकार से हमें स्मार्ट रहना है, किस क्या चीज़ें करके हम स्मार्ट बन सकते हैं. ठीक है, आप बच्चे तो पहले से स्मार्ट हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं. तो जिन भी बच्चे के पास बुक है वो बुक में इको स्मार्ट वाला पेज निकालिए, और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चा भी ध्यान से सुने और इसी में हम समझेंगे. ओके, फर्स्ट लाइन देखिए बच्चा. वी शुड ऑलवेज केयर फॉर आवर एनवायरमेंट. वी मतलब क्या होता है, वी मतलब होता है हम, शुड मतलब होता है चाहिए, ऑलवेज हमेशा, केयर मतलब देखभाल, अवर इन्वायरमेंट मतलब हमारे पर्यावरण की. तो हम पर्यावरण क्या होता है बच्चा, पर्यावरण होता है हमारे चारों तरफ भी जो भी चीज़ें हैं वो हमारा पर्यावरण ही है. तो हमें क्या करना है, हम सबको चाहिए कि हमें अपने पर्यावरण की क्या करनी है, देखभाल करनी है. अब किस प्रकार से करनी है देखिए. वी कैन डू दिस इवन बाय बीइंग केयरफुली एट होम एंड इन अवर डे टू डे लाइफ. जो हमारी रोज की लाइफ होती है, दिन प्रतिदिन जो भी हमारे घर में चीज़ें होती है उनको किस प्रकार सही चीज़ें हम रख सकते हैं, सही अपनी चीज़ें रखेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट खुद ही अच्छा हो जाएगा. इसके लिए आप क्या करोगे देखिए. स्विच ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट नीडेड. सबसे पहले बच्चा क्या करना है कि जब आपको जिस कमरे में आपको लाइट की जरूरत नहीं है तो वहाँ लाइट फालतू ना खोले. ठीक है, इससे क्या होता है देखो, हमें पता है कि फ्यूचर के लिए हमको क्या बचानी है, बिजली बचानी है. आप इतने ऐड में भी सुनते होंगे कि फालतू बिजली का यूज़ नहीं करना है. तो हमने भी क्या करना है, अपने घर में जिस कमरे की लाइट हमको नहीं चाहिए तो वहाँ लाइट बंद कर देना है. फालतू जैसे हम अभी इस जिस कमरे में बैठे हैं तो ठीक है, अगर हम उस कमरे में नहीं है तो उसका फ़ैन फालतू खुला नहीं छोड़ रहा है. तो ये आपको अपनी आदत सुधारनी है और अपने बड़ों को भी समझाना है कि जितनी आपको लाइट चाहिए आप उतना ही यूज़ करोगे, अदरवाइज आप स्विच ऑफ करोगे. ओके, नेक्स्ट है शट रेफ्रिजरेटर डोर सून आफ्टर यूज़. तो बच्चा हम सब की आदत होती है कि फ्रिज को बार बार खोलना, सारे बच्चों की आदत होती है फ्रिज के अंदर देखना कि खाने की क्या चीज़ें हैं, लेकिन फ्रीज़र के डोर को ज़्यादा देर तक ओपन नहीं रखना चाहिए. जो भी चीज़ें हमको निकालनी है निकालो, उसके बाद फ्रिज का दरवाज़ा फटाफट जितना जल्दी हो सके उसे बंद कर दीजिए. ओके, नेक्स्ट आपका है क्लोज द टैप्स आफ्टर यूज़. देखिए पानी हमारे लिए क्या है, पानी हमारे लिए बहुत ही प्रीसियस है. कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो वैसे भी पानी की बहुत कमी हो रही है. तो हमें क्या करना है, हमें पानी का फालतू यूज़ नहीं कर रहा है. जितना हमको पानी की ज़रूरत होगी हम उतना पानी लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे पानी का नल बंद कर देंगे. ऐसे नहीं कि आप ब्रश लेके बैठे हो, आपने पानी का नल खुला छोड़ रखा है और ब्रश करते जा रहे हो, पानी बिल्कुल गिर रहा है. हम पानी का क्या हो रहा है, ये वेस्ट हो रहा है. और कहीं कहीं क्या होता है, कितना सूखा पड़ा रहता है, उनको पानी के लिए कितना दूर जाना पड़ता है. तो इसलिए हमको पानी का क्या करना है, पानी का हमको यूज़ करना है, लेकिन उतना ही यूज़ करना है जितना हमको चाहिए, फालतू पानी नहीं गिराना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. थ्रो ऑल फूड वेस्टेज इन द सेपरेट बिन. अब जितनी भी फालतू खाने की चीज़ें होती है जो हमारे घर में बच जाती हैं और
मतलब जो हमको यूज़ नहीं करनी होती है, बासी चीज़ें हो जाती हैं, उनको सेपरेट बिन यानी कि एक अलग से डस्टबिन में रखना है। डस्टबिन दो प्रकार के होते हैं, कहते हैं ना आपके घर में भी जो कूड़े वाला आता है वो भी कहता है कि गीला कूड़ा अलग रखना है, सूखा कूड़ा अलग रखना है। तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान देनी है। तो हमें जो खाने पीने की चीज़ें जो बच जाती हैं, बासी खाना है, वो अलग से डस्टबिन में डालना है। तो आज आप ओनली 4 चीज़ें अपने दिमाग में डालिए। हमको फर्स्ट क्या करना है, स्विच ऑफ लाइट व्हेन नॉट नीडेड। जब हमको ज़रूरत नहीं है तो हमें स्विच लाइट का स्विच क्या करना है, बंद कर देना है। शट रेफ्रिजरेटर डोर सून आफ्टर यूज़। कोई भी चीज़ें फ्रिज से निकालेंगे उसके तुरंत बाद दरवाज़ा बंद कर दीजिए। क्लोज़ द टैप्स आफ्टर यूज़। नल को हमेशा जब पानी का यूज़ हो जाता है उसके बाद बंद कर देना है। और थ्रो ऑल फूड वेस्टेड इन द सेपरेट बिन। खाने की जितनी भी चीज़ें हैं वो जो बासी हो जाती हैं, जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, वो अलग से एक डस्टबिन में डाल देनी है। तो आज हम ओनली 4 पढ़ेंगे, इसके 4 हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतना आप अपने आप से अपने डेली लाइफ में लाओ कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही है। ओके, थैंक यू।